अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इस वक्त साथ जा रहे हैं जी, खुश रहें। आज का टॉपिक थंबनेल से भी पता चल गया होगा, आईब्रोज को शेप किस तरीके से दी जाए कि बहुत ही अच्छी सी लुक आए। अच्छा, आईब्रोज को शेप देना ना बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये काम सिर्फ सैलून में हो सकता है, लेकिन आज इतने ईजी तरीके से बताऊँगी कि आप लोग घर में ही आप आईब्रोज अपनी शेप बना लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जो आपकी चीज़ें हैं घर में उसी से ही आईब्रोज बन जाएंगे। लोगों का प्रॉब्लम होता है कि आईब्रोज के जो है वो बाल बहुत ज़्यादा कम होते हैं, उनको प्रॉपर शेप किस तरह दी जाए कि नेचुरल लुक आए, आर्टिफिशियल लुक ना आए। आईब्रोज की जो लेंथ है कुछ लोगों की बहुत कम होती है, बहुत शॉर्ट से होते हैं, उसको किस तरीके से लंबा किया जाए। आईब्रोज के अगर बाल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं उनको किस तरीके से कवर किया जाए, और आईब्रोज की प्रॉपर शेप किस तरीके से बनाई जाती है। तो एक और चीज़ कि आईब्रोज़ को शेप देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर बाल बहुत ज़्यादा हुए हो ना आईब्रोज़ को, तो तब उसको शेप देना, तब हमें कहीं जाना है तो तब आईब्रोज़ को शेप देना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो बहुत सारी लेडीज़ बाहर नहीं जाती, अक्सर बहुत टाइम गुजर जाता है, आईब्रोज़ के बाल भी बड़े होते हैं, आईब्रोज़ नहीं बनवा सकती। तो जिनमें से एक मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं अपने आईब्रोज़ बना सकूँ। तो अभी भी मेरे आईब्रोज़ के बाल काफ़ी बड़े हुए थे, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाए थे कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि आईब्रोज़ के बाल हैं या नहीं हैं, इतने नीट बने हुए हैं। तो अभी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपने आईब्रोज़ को शेप दी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके जी, चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा साथ साथ आज बोलती हूँ और साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ। तो बालों को इग्नोर करना, अभी मैंने शावर लिया है तो कोई कंघी नहीं की, बस खोले हुए थे तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आईज पे कोई चीज़ नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया हुआ अपने फेस पे सिवाय सन क्रीम के। तो मैं जो अपनी आईब्रोज पे यूज़ करती हूँ, और आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, डार्क ब्राउन हो, थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो, कोई भी, लेकिन मुझसे पूछेंगे तो मेरा फेवरेट है एक्वा, इससे अच्छा कोई मुझे नहीं लगता। 90% मैं यही यूज़ करती हूँ, और बहुत कम होता है मैं कोई और अप्लाई करती हूँ। अच्छा, इसका डार्क ब्राउन शेड है, इसको मैं यूज़ करूँगी। सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए है वो है जी मस्कारा, लेकिन ये खाली है, ये काफ़ी टाइम से खाली जाते हैं, और ये काफ़ी बड़ा था, चौड़ा था, चौड़ाई में ये ज़्यादा था, तो इससे बहुत ही अच्छा मेरे आईब्रोज पर ब्रश हो जाता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी दूसरा ब्रश लेने की या अप्लाई करने की। ओके जी, थर्ड चीज़ आपको बस कंसील करने के लिए कोई भी आपको कंसीलर आपने ले लेना है, ताकि आपकी जो साइड्स है वो नीट आए आईब्रोज़ के। और आप लोग देखें, मैं करीब से दिखाती हूँ, ये काफ़ी बड़े मेरे आईब्रोज हुए हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, हमने कवर जैसे आईब्रोज अपने बनाने हैं, उससे पहले हमने एक चीज़ नोट करनी है। जब हम अपने आईब्रोज देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारी ये चीज़ लाइटर है, ठीक है, और ये चीज़ भी लाइटर है, दरमियान से हमारी डार्क है। जब हमने अपने आईब्रोज बनाने हैं, हमने यही चीज़ देखनी है कि हमारी ये चीज़ डार्क बने, ये चीज़ थोड़ी सी लाइट बने, और ये भी चीज़ थोड़ी सी बारीक लाइट में बने। क्योंकि हम अगर एक जैसा फिल कर देंगे तो वो बिल्कुल आर्टिफिशियल लुक आएगी और बहुत ही बुरी लुक आएगी। आप चाहे करके देख लें, आप लोग खुद एक दफ़ा ट्राई करें, उस टाइम बहुत ही बुरी लुक आती है आएगी। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये कंसीलर अपनी आईज़ के ऊपर और नीचे अप्लाई कर दूंगी, ताकि जो है ना वो थोड़ा सा उस जगह पे सेट हो, और जो बाल हैं वो थोड़े से कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, मिस रोज़ का कंसीलर लिया है, इससे जो है अपनी एक थिक सी लेयर अपने आईब्रोज़ के ऊपर और नीचे बना लेनी है, ताकि जो बाल हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं। अगर आप लोग स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्रश से बेशक कर सकते हैं, उसके बाद उसको थोड़ी देर छोड़ें ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो, उसके बाद उसकी ब्लेंडिंग करनी है। इस तरह से मैं इसको छोड़ दूँगी। अब एक्वा का मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी, और उसको पानी के साथ यूज़ करते हैं, तो मैं हल्का सा ब्रश पर स्प्रे करके उसको जो है वो शेड लूँगी, और अपने आईब्रोज़ के बिल्कुल साथ साथ जो है मैं एक आउटलाइन दूंगी आईब्रोज के, और फिर उसके बाद उसको ब्लेंडिंग करेंगी एंगल ब्रश के साथ। इस तरह से आईब्रोज की जो है आउटलाइन देने देनी है ऊपर और नीचे, हल्की हल्की करके। अच्छा, आउटलाइन आप लोगों ने पहले करनी है, उसके बाद उसके अंदर जो है कलर फिल करना है। अगर आप लोग कलर साथ साथ फिल करेंगे तो वो अच्छे से जो है आईब्रोज की शेप नहीं बनेंगी, इसलिए आईब्रोज की शेप बना लें। जिनके पतले हैं वो थोड़ी सी ऊपर करके बनाएं, ताकि उनके थोड़े से थिक आईब्रोज बने।
तो मेरे ऑलरेडी ठीक हैं और आईब्रोज बड़े भी हुए हैं, तो इसलिए मैं उसी पे ही आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो आउटलाइन दे लूँगी। उसके बाद जो है अंदर मैं कलर फिल करूँगी। अच्छा, कलर आपने बिल्कुल लाइटर जो एरिया है उधर से नहीं स्टार्ट करना, थोड़े से जो से डार्क बाल शुरू हो रहे हैं उधर से आपने शुरू करना है। अच्छी तरह से कलर को फिल करने के बाद, ब्लेंडिंग अभी नहीं करनी, ब्लेंडिंग बाद में करनी है। फिल करने के बाद जो आगे के बाल हैं इसको ऊपर की तरफ जो है वो मैं हल्का हल्का कलर करूँगी, बिल्कुल हल्का हल्का करना है ताकि नेचुरल सी लुक आए और आर्टिफिशियल लुक ना लगे और जो है वो आईब्रोज भी हमारे अच्छे से शेप हो जाएं। इस तरह से बिल्कुल आप लोगों ने कवर करने हैं अपने बालों को, और शेड जो है वो आप लोग डार्क ब्राउन लें, ब्लैक से जो है वो भी अच्छी शेप नहीं बनती। अच्छा, एकदम अगर आप लोग ब्रश की बजाय फिंगर यूज़ करेंगे तो वो सारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए पहले ब्रश से हल्का सा ब्लेंड कर लें, उसके बाद फिंगर से उसको जो है ना अच्छी तरह से सेट कर लें, और उसी जगह पे ब्लेंड करना है, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं करना। ओके जी, अब काम है जी इस ब्रश का, आईब्रो ब्रश का, ठीक है, मस्कारे वाला। अब इसको आपने ये जो ऊपर की तरफ है इनको ऊपर की तरफ करना है, ठीक है, ताकि जो हमने लगाया है वो अच्छी तरह से अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। और इसको आपने, अच्छा आपने ये नहीं करना कि हल्का हल्का करें, आपने थोड़ा सा दबा के करना है ताकि जो एक्स्ट्रा कलर है वो उतर जाए और आपकी ब्लेंडिंग भी अच्छे से हो जाए। बाकी जो एक्स्ट्रा लगेगा वो आप लोग नीट कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोबारा से नीट हो जाएगा। बस आपने अंदर अच्छी तरह से ब्रशिंग करनी है, वो नीट करें ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा कलर लगे तो वो अच्छे से उतर जाए। अच्छा, इस चीज़ को चाहें तो आप थोड़ा सा और लंबा कर सकते हैं, से दिखाती हूँ। बहुत ही जो है वो हल्के से बाल हो गए हैं, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि आईब्रोज बने हैं कि नहीं। और इधर से आप लोग देखें, ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, अब देखें कितना फ़र्क है जो आईब्रोज बनाई है और जो आईब्रोज नहीं बनाई। ओके जी, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मेक श्योर लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए दे उम्मे हनी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।